द केरला स्टोरी ये एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ये मूवी फेक है या रियल है? क्यों वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने इसे बैन किया और इसी तरह यूपी में विदाउट टैक्स इसे रिलीज किया जा रहा है? इसकी पूरी डिटेल्स जो ध्रुव राठी है यूट्यूबर है, वो बहुत बड़े एक अच्छे नॉलेजेबल यूट्यूबर है, उनके चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको अगर फैक्ट जानना है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगी, नेटफ्लिक्स पे इसकी मूवी है जहाँ पे इसे तोड़ा ममोड़ा नहीं गया है। मूवी का नाम है लैला एम और कैली फेट 3। आपको नीचे दिख रहा होगा, नेटफ्लिक्स में देखिए। यहाँ पे कुछ भी इस पे एक्स्ट्रा एडिट नहीं किया गया। ये कुछ लोग हैं जो चाहते हैं हम धर्म के नाम पे लड़े, अपने ही देश में रह के अपने ही स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। सो वेस्ट बंगाल में इस मूवी को बैन किया गया, तो रीज़न ये है कि यहाँ के लोग नॉलेजेबल है और इन्हें पता है जिस इंसान यानी कि वो डायरेक्टर मूवी का द केरला स्टोरी जिसके पास खुद 5% नॉलेज है, वो मूवी में 0% डाल रहा है और ये भरोसा कर रहा है कि हम उसको 100% कंज्यूम करें। नहीं, ये हम कभी नहीं करना है। ये एक ना कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि बिग लाई के ऊपर खेला जा रहा है, हमें भड़काया जा रहा है, हमें अपने भाई बहन से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से वेस्ट बंगाल ने इस पिक्चर को बैन किया है, देखो देख के नॉलेज लो कि ऐसे गधे डायरेक्टर को मूवी में, और ये सिर्फ आज ऐसी पहली बार नहीं, इतिहास गवाह है कि देश को लड़ाने के लिए ऐसी मूवी बने। इसमें लव जिहाद को दिखाया गया है, केरला कितना अनएजुकेटेड है वो दिखाया गया, बट मैं आपको बताती हूँ केरला से ज़्यादा वेल एजुकेटेड स्टेट नहीं है। बाय।